अब तक आपने भोजपुरी फिल्मों में कई एक्ट्रेसेस को अपना जलवा दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने फिल्मों में अपना जलवा तो दिखाया लेकिन दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया और कुछ समय बाद ही उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स की माने तो हम जिस भोजपुरी अदाकारा की बात कर रहे हैं उनका नाम है रिंकू घोष। रिंकू ने साल 2001 में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म तेलुगु में की थी। उसके बाद साल 2002 से साल 2005 तक हिंदी फिल्में करने के बाद उन्होंने साल 2006 में भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखा, लेकिन इस इंडस्ट्री में वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और उन्होंने बहुत जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो शादी के बंधन में बंध गई, जिसके कारण उन्हें भोजपुरी सिने जगत को अलविदा करना पड़ा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।